गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्लस टू में जिस विषय है उसके पहली पोएम के जो लेखक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बताएं। हरिवंश राय बच्चन जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं उनके पिताजी हैं। अब उनके बारे में बताते हैं। उनका जन्म 1907 में इलाहाबाद के कायस्थ परिवार में होता, ब्राह्मण परिवार में। तो जो उनके पिता थे वो बड़े ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण, लेकिन इसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल कमजोर थी, यानी इसका जीवन दुखों से भरा हुआ था हरिवंश राय बच्चन जी का। इनकी आरंभिक शिक्षा काशी में हुई। इन्होंने जो एमए किया स्नातकोत्तर वो 1938 में विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया और पीएचडी भी वहीं से की। इनका करियर क्या था, इनको आकाशवाणी में काम मिला, यानी आकाशवाणी में काम करते थे। फिर 1966 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। उपाधि यानी इसको क्या कुछ प्राप्त हुआ साहित्य, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलते हैं वैसे इसको सरकार ने कौन सी उपाधि से नवाजा, पद्म विभूषण के उपाधि से इसे सम्मानित किया गया। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, वैसे तो इसकी बहुत ज्यादा रचनाएं हैं लेकिन जो प्रमुख हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधुशाला इनकी 1935 में प्रकाशित हुई थी और जो मधुकलश 1938 में, यानी ये दो रचनाएं इसकी 1938 में हुई थी प्रकाशित और जो मधुशाला है वो 1935 में। नेक्स्ट निशा निमंत्रण, इसी जैसे इसी पोएम में मिलेगी आपको निशा निमंत्रण। नए पुराने जो रोके क्या बोलूं क्या आज करूं, टूटी फूटी कड़ियां आदि इसकी रचनाएं थी। और जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो स्वयं करने बच्चों आपको इसमें, अब इसकी आगे हम कविता को पढ़ाते हैं, कृपया उसे ध्यान से सुने। धन्यवाद।